टीम है जेएनके पीपुल्स बोर्ड की, उनकी कई निशस्तें हमने पिछले कुछ दिनों से की और फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी जो ये पार्टी है ये अभी इब्तदाई मरहलों से गुजर रही है। शाह फैसल तक अब बात महदूद होके नहीं रही है, बात आगे बढ़ चुकी है, तमाम रियासत से अब आवाम जो है वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए इस स्टेज पे इलेक्शंस में इमीडिएटली जाना हमारे लिए शायद जल्दबाजी का कदम होगा। ये फैसला किया गया है कि हम इमीडिएटली होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में फिलहाल हिस्सा नहीं लेंगे। इसकी दो बुनियादी वजूहत हैं, एक ये है कि हमारी पार्टी अभी इब्तदाई मरहले से गुजर रही है और हम फोकस करना चाहेंगे पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पे, और उसके साथ साथ ये भी है कि वो खदशात जो जाहिर किए गए थे कि हम यहाँ पे बायकॉट करने के लिए या इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आए थे और जिनको ये लगता था कि हमें यहाँ पे सेंटर ने यहाँ पे एक ऐसी पार्टी कायम करने के लिए लाया गया है ताकि हम कुछ इलेक्टोरल मैनिपुलेशंस करें, इस स्टेप के जरिए हम उन लोगों को और उन आवाज़ों को भी जवाब देना चाहते हैं कि जेएनके पीपल्स मूवमेंट यहाँ पे एक लंबी लड़ाई के लिए आई हुई है। हमारी नज़र न इलेक्शंस पे है, न हमारी नज़र यहाँ पे पावर लेने पे है, हमारी नज़र यहाँ पे जम्मू और कश्मीर के अवाम के सियासी हकूक, उनके डेवलपमेंटल राइट्स को बहाल करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और उसके लिए हम इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं और अपनी इस जदोजहद को बहुत दूर तक और बहुत देर तक चलाने के लिए तैयार हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके पास इसके बाद में आपको क्वेश्चन के लिए मदद करता हूँ। जम्मू और कश्मीर में पूरी रियासत में इस बार पार्लियामेंट में हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारे कार्डर इसको फाइनली सपोर्ट करेंगे, उसके लिए जो फैसला है वो हम आपके सेपरेटली कम्युनिकेट करेंगे और हम बिलीव करते हैं यहाँ इलेक्शन लड़े या न लड़े यहाँ पे लोग कभी पार्लियामेंट पहुंचेंगे, असेंबली में पहुंचेंगे। हमारी गुजारिश आवाम से ये है कि वो समझे कि नई आवाजों को और सही आवाजों को आगे आने का मौका दे जाए।